What's up everyone, welcome back to our beautiful channel. For more related and important videos, please subscribe the channel, click the bell icon and share, comment and like the videos. Let's begin. Question number 21 कहते हैं मतलब जो कंज्यूमर है वो 100 रुपीज खर्च कर रहा है, assume non saturation, that is more of any good if prefer to less. Suppose the price of B is fixed at, देखो गाइस ये था, price of B is 20. When the price of A is 10, price of A is 10, तो वो जो B का है ना quantity भी 3 होगा. अब एक चीज समझना गाइस, इधर ही रुक के समझना. अगर मैं बजलन बनाता हूं price of A into A, जो चीज हम मिस कर रहे थे ये बात थी ये, तो अब जरा रखना है यहाँ पे price of A is 10, A की क्वांटिटी नहीं पता मुझे, price of B is 20 और वो 3, ये हो गया 100. तो A कितना आ गया 60 अपॉन में 10, ओ सॉरी 60 करो 4 आ गया, मतलब 100 माइनस 60 यानी 40, 40 बाय 10 दैट इज 4. ठीक है, अब इसका पहले समझ लो कि एट प्राइस ऑफ B इज 20 देन द क्वांटिटी ऑफ B दिस, मतलब ऐसा समझ लेना. चलो पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये हो गया, उसके बाद में जो प्राइस ऑफ B A है वो 20 हो गया. ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ A कितना हो गया, अब जरा ऐसे सॉल्व कर लेते हैं इसको, प्राइस ऑफ A into A plus price of B into B is equals to M. ये रखा हमने यहाँ पे 20 into 5 plus ये 20 into B is equals to 100, ये हो गया 100, इधर 100 हो गया, तो B क्या रहा 0, B क्या रहा 0. ठीक है, अब इसको ऐसे देखो, अब इसको थोड़ा टेबल फॉर्म में बना लो, अब इसको थोड़ा सा टेबल फॉर्म में बना लो, ये कि जो प्राइस ऑफ A हमारा 10 था, ठीक है, तो क्वांटिटी ऑफ A था हमारा यहाँ पे 4, क्वांटिटी ऑफ B था यहाँ पे 3, और जो प्राइस ऑफ A हमारा 20 हो गया, तो क्वांटिटी ऑफ A हो गया हमारा यहाँ पे 5 एंड क्वांटिटी ऑफ B कितना हो गया 0. अब इसको ऐसे समझना, जब प्राइस ऑफ A इंक्रीज हुआ, प्राइस ऑफ A इंक्रीज हुआ तो क्वांटिटी ऑफ A पे क्या फर्क पड़ा, 4 से 5 हो गई, 4 से 5 हो गई. अगर प्राइस बढ़ा तो 4 से 5 हो गई, क्वांटिटी बढ़ गई, तो नॉर्मल गुड तो नहीं है. अच्छा, प्राइस में और कॉमोडिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप कब कब होता है, आप सिर्फ ना डायरेक्ट रिलेशनशिप वर्ड को देखो. जब प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है, जिस डायरेक्शन में प्राइस चेंज हो रहा होता है उसी डायरेक्शन में अगर क्वांटिटी चेंज हो रही हो तो कौन सा गुड होता है, वो नॉर्मल तो नहीं होता. और इंफीरियर को चेक करते हैं हम लोग इनकम को चेक करते हैं, हम इनफो को चेक करते हुए हम इनकम को चेक करते हैं. ठीक है, तो इंफीरियर नहीं है, नेसेसरी गुड ऐसा नहीं, गिफ्ट इन गुड्स होते हैं वो, गिफ्ट इन मतलब आप ना बढ़ते हुए प्राइस की तरफ मत देखो, आप देखो सेम डायरेक्शन है. देखो दो डायरेक्शन होते हैं, एक तो इनवर्स और एक डायरेक्ट. अगर इनवर्स होता है तो नॉर्मल कमोडिटी होती है, और डायरेक्ट तो गिफ्ट इन है, लेकिन जनरली वो डाउनवर्ड में होता है. जनरली जब किसी गुड के प्राइस कम हो रहे होते हैं तो इस गुड की डिमांड बेसिकली बढ़ रही होती है, उसे हम गिफ्ट इन कहते हैं. उल्टा कर लेते हैं चीज को, जब उसको हम उल्टा कम कर रहे होते हैं. ठीक है, तो ध्यान रखना, आप इसको ऐसे समझो, देखो बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास इसको. चलो गिफ्ट वाली बात भी 1% हटा देते हैं. ठीक है, एक एक करके बात करते हैं. पहली बात तो इसका ऑप्शन पढ़ लो. ऑप्शन में तीन बातें बोली हैं, इनफे बोला, गिफ्ट बोला, कॉम्प्लीमेंट बोला है, यानी हमें तीन पिक्चर से देखना है. क्योंकि मैं बोल रहा था आपको लग रहा था गिफ्ट गिफिन क्यों नाम ले रहा है, मुझे तीन पिक्चर देखनी है इसकी, इन्फीरियर गिफिन और कॉम्प्लीमेंट, तो उन्हीं तीन पिक्चर के सराउंडिंग घूमना है मेरे को. ठीक है, तो एक एक करके चलो देख लेते हैं हम लोग. जब अगर आप ऐसे भी सोचो, जब गुड ए का प्राइस बढ़ा तो गुड ए की क्वांटिटी बढ़ी, लेकिन जब गुड ए का प्राइस बढ़ा था तो गुड बी की क्वांटिटी 3 से 0 हो गई. ए के प्राइस बढ़ते ही उसकी क्वांटिटी 3 से 0 हो गई. इसका मतलब प्राइस ऑफ बी इज कॉन्स्टेंट, प्राइस ऑफ बी
का जो प्राइस भी है वो कॉन्स्टेंट है, लेकिन जैसे ही जैसे ए का प्राइस बढ़ा वैसे गैस क्या हुआ, वैसे गैस क्या हुआ, गुड इसका जो क्वांटिटी क्या हो गई, रिड्यूस हो गई। ऐसा कब होता है, ऐसा कब होता है, किसी एक गुड के प्राइस बढ़ने से दूसरे गुड की क्वांटिटी कम कब होती है, और सोचो दिमाग, मैं आपको और टाइम दे रहा हूं, दो गुड्स है एक्स एंड वाई, एक गुड का प्राइस बढ़ गया उसकी डिमांड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो भी बात कर रहे हैं, अदर गुड की क्वांटिटी डिमांड कम हो रही है, प्राइस ऑफ ए बढ़ते ही बी का क्वांटिटी कम हो रही है, बेटा नहीं मैंने ना गिफ्ट इन्फिनिटी को नाम नहीं ले रहा, मैं कोई नाम नहीं ले रहा, मैं जनरल बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं कोई नाम ले रहा हूं तो कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, तो मैं चलो आप ही लोग बताओ ज्यादा बेटर रहेगा। हाँ नहीं कोई बात नहीं, मैं टाइम दे रहा हूं आपको, लिख के चेक कर लो आप भले ही। कॉम्प्लीमेंट, जनरल पिक्चर को देखो, जब एक गुड के प्राइस बढ़ के दूसरे गुड की क्वांटिटी कम होती है तो कमोडिटी होती है कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, क्योंकि देखो अगर गुड ए का प्राइस बढ़ा तो लॉ ऑफ डिमांड उस पर अप्लाई हुआ होगा गुड ए पर, जनरली ओरल बात करें ओरल, ठीक है, तो लेकिन अगर दूसरे गुड की डिमांड कम हो रही है, बेसिकली दूसरे गुड की डिमांड कम हो रही है, इसका मतलब कमोडिटी आ रही होंगी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, तो यानी कॉम्प्लीमेंट वाली बात तो सच हो गई, यानी हमारे पास तीन ऑप्शन दे रखे, थर्ड वाली बात तो इन्फॉर्मेशन सही है। और बड़ा अजीब क्वेश्चन है गाइस, ये अजीब, डोंट ट्राई टू कनेक्ट ईच एंड एवरीथिंग, हर चीज को कनेक्ट मत करना, वरना फंसोगे, आप सिर्फ एक एक पिक्चर देखते चलो, पहली पिक्चर देख ली आप लोगों ने, एक गुड का प्राइस दूसरे गुड की क्वांटिटी, ठीक है, अब दूसरी पिक्चर देखो, यहां पे क्या चीज, मैं बोल रहा प्राइस ऑफ गुड ए इंक्रीज कर रहा है, क्वांटिटी ऑफ गुड ए 4 से 5 हो रही है, इंक्रीज हो रहा है, अब इस पर आ जाते हैं हम लोग, अब दिमाग लगाओ जी, किसी गुड के प्राइस बढ़ने से अगर क्वांटिटी उसकी बढ़ती है, अच्छा जनरल क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड कहां लगता है, जब प्राइस बढ़ते हैं क्वांटिटी डिमांड कम होती है, उसे हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, उसे हम कहते हैं नॉर्मल गुड्स, ठीक है, एक बात, जब किसी इंसान की इनकम बढ़ती है तो इनकम बढ़ने पर वो जिस कमोडिटी को कंज्यूम करता है ना, इनकम मतलब मेरी इनकम बढ़ रही है, अगर मैं इनकम बढ़ने पर कमोडिटी कंज्यूम कर रहा हूं तो कमोडिटी कैसी है, नॉर्मल, इनकम बढ़ने पर या फिर इनकम कम होने पर, उल्टा कर लो, इनकम कम होने पर मैं जिस कमोडिटी की कंजम्पशन बढ़ा रहा हूं वो कमोडिटी कैसी होती है, इनफीरियर, इनकम तो कॉन्स्टेंट है, इनकम को कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है, एक बात हो जाती है। अब अगर मान लो किसी कमोडिटी के प्राइसेस कम हो रहे हैं या बढ़ रहे हैं, एक डायरेक्शन मान लो, कम होना मान लो, बढ़ना मान लो, मैं बढ़ता हुआ मान लेता हूं, अगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं और बढ़ते हुए प्राइसेस पे अगर आप उसकी कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो पहली बात वो आपका नॉर्मल नहीं है, नहीं नहीं नॉर्मल नहीं है, मैडम कह रही है कि सर वो लग्जरी हो सकता है, ठीक है मैडम, देखो ऐसा है कि इनकम ना कॉन्स्टेंट है, लग्जरी ना उसमें आता है इनकम एंड प्राइस, जब दोनों ही हाई हो, है ना, इनकम एंड प्राइस, गाइस ये कमोडिटी कैसी होनी चाहिए, भाई कह रहे हैं नेसेसरी, नेसेसरी भी नहीं, कैसे हो सकती है, नहीं नमक की डिमांड हम से ज्यादा करते, क्योंकि हम तो नेसेसरी भी नहीं होगा ना, नमक ज्यादा थोड़ी खाते क्योंकि महंगा होता जा रहा है, नहीं तो वो भी नहीं हो, और सोचो ऑनलाइन वाले बच्चों को भी देख लेता हूं, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा आंसर दिया है, मैं अभी बता नहीं रहा आपको, एक बड़ा अच्छा आंसर आ चुका है मेरे पास, लेकिन अभी वेट कर रहा हूं मैं आप लोगों का, और एक चीज ध्यान रखना, प्राइस और क्वांटिटी में अगर इनवर्स रिलेशनशिप हो, ठीक है, तो उसे नॉर्मल गुड कहते हैं, प्राइस और क्वांटिटी में डायरेक्ट रिलेशनशिप हो तो उसे गिफिन कहते हैं, ठीक है, उसे गिफिन कहते हैं, राइट, दिस इज बेसिकली गिफिन। अच्छा जितने भी गिफिन गुड्स होते हैं क्या होते हैं, इनफीरियर, ऑल गिफिन गुड्स आर इनफीरियर, एक एक करके बात कर लें, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये गिफिन हो गया, ये इनफीरियर हो गया, ठीक है, ऑल गिफिन गुड्स आर इनफीरियर, ये क्लियर है, ठीक है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, बेटा प्रशांत
मैं आपको बता देता हूँ, इन्फीरियर को चेक करने के लिए बेटा हमें इनकम को देखना पड़ता है। अगर मैं अमीर हो रहा हूँ और मुझे गुड़ की कंजम्पशन नहीं कर रहा हूँ, इसका मतलब वो गुड़ मेरे लिए अच्छे नहीं थे, वो इन्फीरियर थे। तो इनकम का रिलेशनशिप देखते हैं इन्फीरियरनेस के लिए, ठीक है। जिफिन वाली बात समझ में आ गई सब लोगों को? ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, इंटरेस्टिंग था ये क्वेश्चन। नहीं, गिफिन देखो मैं बताता हूँ, एक्चुअली गिफिन देखो गुड होता ही नहीं है, वो तो नेचर ही हो जाता है, ठीक है। गिफिन का मतलब हो जाता है, वैसे नहीं ये मैं बता देता हूँ, इसका ना ऐसे तो गलत बताया, मतलब हमारी मजबूरी हम क्वेश्चन के हिसाब से आंसर दे रहे हैं, बट ऐसा गलत ही है, उल्टा होता है। प्राइस कम जब हो, जिस गुड़ का प्राइस बहुत कम होता है, अगर उसकी डिमांड भी बढ़ रही हो, इसका मतलब गिफिन गुड होगा, मतलब ऐसा डायरेक्ट, सॉरी कम हो रही हो डायरेक्ट रिलेशनशिप, मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप या ला, प्राइस कम होने पर अगर उसकी डिमांड कम होती जा रही है, इसे कहते हैं गिफिन, ठीक है। इसको मुझे गिफिन क्यों बोलना पड़ रहा है, मैं सिर्फ रिलेशनशिप देख रहा हूं, डायरेक्शन देख रहा हूं बस। और दूसरी वजह क्या है गाइस, ऑप्शन में मेरे पास गिफिन वाली बात दे रखी है, मैंने बताया ना हम लोगों को ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा गाइस, ठीक है। ठीक है, दो दिन बच्चों ने आंसर सही दिया था, ठीक है। अभी टाइम कितना हो गया, वो तो कुछ भी टाइम नहीं हुआ। अरे अभी कहां, 1 बजे दूंगा ब्रेक, 1 बजे फिर रहेगा ना, फर्स्ट हाफ हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, अरे बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 24, इस वीक आपको बहुत सारा होमवर्क करना है, 28 वीडियो कॉपी नोट करनी है आपको इस वीक, और गौतम को भी चेक होनी है पहले, और फिर वंशिका की उसी, मतलब उसी दिन ही। मैं 5 लोगों का नाम अभी ले देता हूँ, मैं 5 नहीं 2 लोगों का नाम अभी ले रहा हूँ, बाकी 3 लोग रैंडमली एक दिन पहले बताऊंगा, गौतम और वंशिका, इन दो की तो कॉपी सैटरडे चेक होनी होनी है, ठीक है। बाकी 3 नाम मैं रैंडमली बता दूंगा, और अब तुमको जो ऑनलाइन आएंगे टेंशन ना लो, घर पे आ जाऊंगा कॉपी चेक करने, सबके घर पता है मुझे। चलिए बेटा क्या कहता है क्वेश्चन, अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट, यार ये ना बोरोवर और लेंडिंग वाला क्वेश्चन है, ठीक है। कल वाले की तरह ये क्वेश्चन है, कल हमने डिस्कस किया था, दिस इज C1, दिस इज C2, ठीक है। ये अच्छा, एक चीज और है, असाइनमेंट करने के बाद में तुमको खुद को पता लग रहा होगा कि क्या क्या टॉपिक वीक है, आज पूछना, आज ही तो ऑप्शन है, टाइम दूंगा मैं आपको, देख कर पूछ लेना सर ये चीजें डिस्कस कर लो, ये M1 ही M2, ठीक है। अच्छा गाइस देखो, तो दिमाग में रखने के बाद, अब फॉल इन द इंटरेस्ट रेट, क्या उन्होंने ये बताया कि कंज्यूमर कौन है, एजेंट कौन है, नहीं तो उसने जनरल बात करी है, ठीक है। तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, अगर इंटरेस्ट रेट फॉल हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है, अब जनरल समझिएगा, ये पहली बात तो फीजिबल रीजन ही वाला है, और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है, अगर मैं इसके स्लोप की बात करूं तो स्लोप होता है इसका 1+R, ये कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है, अगर R कम हो रहा है तो स्लोप कम हो रहा है, ठीक है। यानी बजट लाइन की ओर ये फ्लैटर है, तो वह फ्लैटर ओर ये पासिंग थ्रो दिस, ठीक है। अब जरा इस चीज को ऐसा समझेगा आप लोग, देख एक तो ऑप्शन बड़े अजीब से दे रखे हैं, है ना, ऑप्शन बड़े अजीब से, पहले हम अपनी बातों को क्लियर कर लेते हैं, ठीक है। देखो गाइस, हमें नहीं पता कि वो पहले कौन था, हमें नहीं पता, वो हो सकता है जो है लैंडर हो या बोरोवर हो, हमें नहीं पता, लेकिन ये बात कंफर्म है, आफ्टर चेंज इन इंटरेस्ट रेट या इंक्रीज फॉलिंग इंटरेस्ट रेट, अगर वो बेसिकली यहां पर होता है, इतने रीजन पर होता है, और यहाँ रीजन क्या होगा, उसकी कंजम्पशन इनकम से कम, ठीक है। यानी वो लैंडर अगर हुआ, अगर इंटरेस्ट रेट कम होने के बाद में, दो ऑप्शन रख लेते हैं हम लोग,
अगर वो फेवर हुआ और वो बोरोवर हुआ, दो ही बातें तो हो सकती है। फेवर हुआ है तो मतलब इतने रीजन में रहा होगा, बोरोवर हुआ तो मतलब इतने इतने रीजन में रहा होगा, ठीक है। तो ये बात हो सकती है। अब तो ऐसा समझिएगा, अगर वो सेवर है, फेवर है तो वो हमेशा स्ट्रिक्टली वर्थ ऑफ होगा, अनएम्बिगियसली वर्थ ऑफ, अनएम्बिगियसली। और अगर वो बोरोवर है तो मे और मे नॉट बी बेटर ऑफ। अब वो बेटर ऑफ वर्थ ऑफ को, ये तो बहुत अच्छे अच्छे नाम है, बेटर ऑफ वर्थ ऑफ बड़े प्यारे प्यारे नाम है, ठीक है। अब उन्होंने थोड़ा सा चीज को टफ कर दिया ऑप्शन में, थोड़ी सी चीजें बदल दी उन्होंने ऑप्शन में, ठीक है बेटा। अब वो चीजें का पढ़नी है आपको, वही आपका टैलेंट है, ऑप्शन को पढ़ के सही चीज ढूंढना। क्या पहले कहते हैं विल रिड्यूस सेविंग अनएम्बिगियसली, अनएम्बिगियस का मतलब आपको बताता है कंफर्म, कंफर्म को कहते हैं, ठीक है। विल रिड्यूस सेविंग, सेविंग को कम करेगा। अब क्योंकि क्योंकि हमें नहीं पता ना कि वो सेवर है बोरोवर है, वो सेविंग्स को कम करेगा, यानी वो अगर यानी वो सेवर रहेगा, यानी वो सेवर रहेगा। क्या ये बात सही लग रही है आपको? मैं रिपीट कर रहा हूं, मैं रिपीट कर रहा हूं। पहला ऑप्शन कहता है रिड्यूस सेविंग्स, सेविंग्स कम हो रही है, रिड्यूस सेविंग्स, यानी है तो सेवर, सेविंग्स कम हो रही है पर स्विच नहीं, मतलब वो है तो सेवर, अगर वो सेवर है तो इसके लिए क्या होगा वर्थ ऑफ। बी ऑप्शन, मैं एक बार सबके ऑप्शन लिख लेता हूं, ठीक है, उसके बाद फिर देखेंगे। बी ऑप्शन विल हैव एन एम्बिगियस इफेक्ट ऑन सेविंग बिकॉज ऑफ एन एम्बिगियस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। मैं अभी बी ऑप्शन को होल्ड कराऊंगा, ठीक है, होल्ड कर रहा हूं बी ऑप्शन को। सी ऑप्शन देखते हैं, विल रिड्यूस सेविंग अनएम्बिगियसली ओनली फॉर अ बोरोवर। वो कह रहे हैं कि अगर पर्सन बोरोवर था तो वो सेविंग, तो वो क्या करेगा, अगर वो पर्सन बोरोवर था विल रिड्यूस सेविंग अनएम्बिगियसली ओनली फॉर अ बोरोवर। वो पहले अगर बोरोवर था तो वो अब सेविंग्स कम करेगा। सेविंग्स कम करने का मतलब क्या होता है? खर्चा ज्यादा करेगा। पहले भी बोरोवर था और अब भी बोरोवर है, ये नेगेटिव सेविंग्स हो सकती है, ठीक है। यानी वो पहले भी बोरोवर था और अभी भी वो क्या है बोरोवर। अब सोचो, पहले बोरोवर था वो और अभी क्या है बोरोवर, सेविंग्स कम कर रहा है, ठीक है, यानी अपनी कंजम्पशन ज्यादा कर रहा है। इसका मतलब इस एरिया में मे और मे नॉट बी ठीक है, मे और मे नॉट बी बेटर ऑफ। और डी ऑप्शन क्या आता है, विल रिड्यूस सेविंग अनएम्बिगियसली ओनली फॉर अ लैंडर। ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता। डी वाले ऑप्शन में वो उसको फेवर बता रहा है, डी वाले ऑप्शन में उसको वो फेवर बता रहा है। यहां पे क्या है ये वर्थ ऑफ, ये नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अब जरा दिमाग लगा लो थोड़ा सा यहां पे क्वेश्चन को, एक बार और जरूर देख लीजिए। मतलब चार ऑप्शन है मेरे पास में, ये बता रहा है कि भैया इंटरसेट कम हो गया है, पहले बजट मेरी ये हुआ करती थी, अब ये वाली बजट लाइन है, मैं अगर इस वाले एरिया में था तो ये मेरा फिजिबल रीजन था, ठीक है। अब जो अगला डिसीजन होगा मेरा, अब अगला डिसीजन ये होगा, अगर मैं अगली बारी में यहाँ पे फेवर रहता हूँ तो स्ट्रिक्टली वर्थ ऑफ रहूंगा, और अगर मैं बोरोवर रहता हूँ तो मे और मे नॉट भी रहूंगा, ठीक है। वाई मे और मे नॉट भी, क्योंकि ये न्यू एरिया है, न्यू एरिया हमें पता नहीं होता, खुश हो भी सकता हूँ नहीं भी हो सकता, है ना। लेकिन ये कंफर्म है कि पुराने वाले एरिया पे जाऊंगा तो डेफिनेटली मैं नाराज रहूंगा। पहला ऑप्शन क्या था कि बंदा अपनी सेविंग्स को कम करेगा, अनएम्बिगियसली रिड्यूस सेविंग्स, अगर इंटरेस्ट रेट कम होता है तो बंदा सेविंग्स को कम करेगा। खुद पे लेकर देखो इस चीज को, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ टूडेज कंजम्पशन कम हो रही है, आज का प्राइस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है। अगर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है तो आज आप क्या करोगे, कंजम्पशन ज्यादा करोगे कम करोगे, कंजम्पशन ज्यादा करोगे, ठीक है। सेविंग करते हो तो शायद नुकसान है, कंजम्पशन ज्यादा करोगे आप, ठीक है, एज कंपेयर, राइट। तो पहला वाला ऑप्शन तो गलत हो गया, विल रिड्यूस सेविंग। रीजन बिहाइंड,
सेविंग्स कम करने का मतलब हो जाएगा कि वो है तो इसी एरिया में, ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बी ऑप्शन जो था जो मैंने नहीं लिखा, हाँ बी ऑप्शन ने होल्ड पर रखा था, वो होल्ड वाला भी डिस्कशन कर लेता हूँ मैं आप लोगों से। होल्ड वाला ये था बी ऑप्शन का एक, अगर चला गया या वो कह रहा था विल हैव एन एम्बिगियस इफेक्ट ऑन सेविंग बिकॉज ऑफ एन एम्बिगियस सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। यार ध्यान रखना ये बात गलत है, ये बात गलत है, क्यों मैं आपको बता देता हूँ। जो इफेक्ट होता है ना वो एम्बिगियस नहीं अनएम्बिगियस होता है। एम्बिगियस का मतलब हो जाता है कि हमें कंफर्म नहीं पता कि किस बढ़ रही है कम हो रही है, लेकिन एक्चुअली क्या है ये अनएम्बिगियसली चेंजेस है। मुझे कंफर्म पता है, मतलब मुझे इंसान हम सबको कंफर्म पता है कि जो जो बदलाव आ रहे हैं, तो बी वाला ऑप्शन गलत है, राइट, बी वाला ऑप्शन गलत है। सी वाला ऑप्शन कहता है विल रिड्यूस सेविंग अनएम्बिगियसली ओनली फॉर अ बोरोवर, ठीक है, अगर अगर वो पर्सन अगर वो पर्सन बोरोवर था पहले, अगर वो पर्सन यहां पर था बोरोवर था, तो गाइस वो सेविंग्स अपनी कम करेगा, ठीक है, सेविंग्स अपनी कम करेगा, यानी वो रिमेन करेगा बोरोवर। मुझे इस मुझे ये थोड़ा पसंद सा आ रहा है, ठीक है। डी ऑप्शन विल रिड्यूस सेविंग्स अनएम्बिगियसली ओनली फॉर अ लेंडर, अगर वो लेंडर रहेगा, अगर वो लेंडर रहेगा तो अपनी सेविंग्स कम करेगा। गाइस आपको पता है मुझे डी ऑप्शन भी थोड़ा सा पसंद आ रहा है, मुझे सीओटी पसंद आ रहे हैं, अगर ये डीएससी है, डीएससी में आपको यही फेस करना होगा, हो सकता है एक से ज्यादा ऑप्शन सही लगे। एक बार इसका ओरल डिस्कशन कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, मुझे तो सही आंसर पता है, पर एक बार मैं आपके थ्रू भी बात करना चाहूंगा ये ऑनलाइन वालों से भी। डी सी और डी में मुझे दोनों पसंद आ रहे हैं, पसंद का मतलब नहीं, नीचे उन्होंने ये बात कह दी है ना, ओनली फॉर अ लैंडर, ठीक है, ओनली फॉर अ लैंडर, ठीक है। अब पहले हम डी को बात, पहले हम सी की बात कर लेते हैं। सी कह रहा है वी रिड्यूस सेविंग अनएम्बिगियसली ओनली फॉर अ बोरोवर, अगर मैं बोरोवर था पहले, अगर मैं पहले बोरोवर था, ठीक है, और तो मैं अपनी सेविंग्स कम करूंगा, ठीक है, तो कहते अगर मैं बोरोवर था तो मैं सेविंग पहले कहां कर रहा था, पहले तो मैं सेविंग कर ही नहीं रहा था, तो जो मैं पहले सेविंग्स कर ही नहीं रहा था तो फिर मैं अपनी सेविंग्स कम कैसे कर सकता हूं, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब डी वाले के पास पढ़ लो, डी वाला ऑप्शन क्या कहता है, डी वाला कहता है कि भैया ऐसा है, पहले मैं सेवर था, पहले मैं सेवर था, और अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, सॉरी इंटरेस्ट रेट कम होता है, और मेरे पास ऑप्शन नहीं है कि मैं स्विच करूं, तो मैं कम से कम क्या कर सकता हूं, सेविंग रिड्यूस कर सकता हूं, कब, जब मैं ओनली, उन्होंने बोला ओनली लैंडर, अगर मैं लैंडर ही रहूंगा, अगर मैं लैंडर ही हूं, अगर मैं फेवर ही हूं, मान लो मेरी नेचर में बोरिंग करना है नहीं, मैं सिर्फ लैंडिंग या सेविंग्स करता हूं, मतलब सेविंग ही मेरा नेचर है, मैं बोरिंग कभी करता नहीं हूं, और इंटरेस्ट कम हो रहा है, यानी आज की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम हो रही है, तो इतना हो जाएगा कि मैं अपनी कंजम्पशन बढ़ा दूं, तो सेविंग्स को थोड़ा सा कम कर दूं, समझे मेरी बात को। ये चारों में से मुझे बेस्ट ऑप्शन डी लग रहा है, पहले मुझे सी लग रहा था, अब मुझे डी लग रहा है, और सी गलत क्यों हुआ है मैंने आपको बता दिया। दो बातों पे मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है जो कि मैं आपको क्लियर कर देता हूं। अरे जब मैं आपसे कहता हूं ना कि मुझे कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, मुझे कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं है, मुझे सारे आंसर पता है, मैं एक सिचुएशन क्रिएट करता हूं ऐसा सोच के कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, वो सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि हम लोग एग्जाम हॉल में बैठे हुए हैं, क्या क्या कंफ्यूजन हमारे माइंड में आ सकती है, ठीक है। अब जरा समझ लेना सी ओ डी को, सी ए शो कर रहा था कि बंदा कौन था बोरोवर, और डी ए शो कर रहा बंदा कौन है सेवर। अगर इंटरेस्ट रेट बेसिकली अगर कम हो रहा है, अगर इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है तो ये तो हमेशा बोरोवर ही है, ही ट्राइज टू रिमेन बोरोवर, तो यहां पे सेविंग की कोई बात नहीं आएगी। लेकिन अगर वो सेवर है और अगेन सेवर रहना पसंद करता है, अगेन रिमेन सेवर, तो वो इतना कर देगा कि इंटरेस्ट रेट कम होने पर वो सेविंग्स अपनी कम कर देगा, राइट, हाँ वर्क ऑफ रहेगा, द रीजन बिहाइंड, मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं। आप क्वेश्चन में ये नहीं पूछा उन्होंने कि उसका उसका बेटर एरिया बताओ, क्वेश्चन में ये नहीं पूछा, मैं फिर बोल रहा हूं क्वेश्चन इतना सा है, अ फॉल इन इंटरेस्ट रेट बस इतना है, फिर ऑप्शन दे दिए, क्वेश्चन में बिल्कुल नहीं पूछा कि उसका बेटर एरिया बताओ,
हो सकता है वो बंदा बोरिंग ना कर पा रहा हो, राइट। तो ये दोनों ऑप्शन शो कर रहे थे आपको, तो मेरे हिसाब से दी इज द राइट आंसर। क्लियर? सी क्यों गलत बोल रहा हूं मैं? सी से गलत बोल रहा हूं क्योंकि बंदा पहले बोरोवर था, तो ये बंदा बोरोवर था, इंटरेस्ट रेट कम होने पर ही विल ट्राई टू रिमेन द बोरोवर, तो कोई सेविंग का कोई मतलब आता ही नहीं है। बट यहाँ केसेस में अगर वो सेवर था और अब भी वो सेवर रहेगा तो इतना करेगा कि वो अपनी सेविंग को कम कर दे। क्लियर? ठीक है गाइस, बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इन क्वेश्चन को हल्के मत लो। जीएससी के पास से क्वेश्चन है, क्वेश्चन 25 करके ब्रेक देता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 25 पढ़ लो, आसान क्वेश्चन है, यूटिलिटी दे रखा है मुझे इसने, U is equals to x plus y to the power half, ठीक है। चार ऑप्शन दे रखे हैं, अब बस ऑप्शन पढ़ लो। पहला दे रखा है diminishing MRS और diminishing MU। अच्छा एक बार क्लियर करके चल लेना, diminishing MRS का मतलब ये होता है अगर आप MRS का डेरिवेटिव करते हो x के रिस्पेक्ट में, ठीक है, तो वो नेगेटिव अगर आता है तो इसे diminishing MRS बोलते हैं, ठीक है, diminishing MRS। एक बार ध्यान रखना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हम ये बात पढ़ते हैं ना कि जो MRS होता है diminishing होता है, तो फिर हमारा IC strictly convex होता है। ये बात हमने बहुत जगह पढ़ी है, प्रॉपर्टी होती है वाली, यानी MRS के बाहर एक माइनस साइन होता है, MRS के बाहर एक माइनस साइन होता है, ठीक है। तो वो जो माइनस साइन होता है वो इसी चीज को शो कर रहा होता है, क्या बाहर माइनस साइन होता है, अंदर माइनस वाली कोई चीज नहीं है, ठीक है। तो वो नेगेटिव हमारा बेसिकली अगर आता है, अगर वो नेगेटिव आता है, या आप ऐसे देख सकते हो, या आपको और अगर चीजें क्लियर करनी है तो जनरल लेवल पर आप ऐसे भी देखिएगा, MRS के बाहर माइनस साइन होना चाहिए, ठीक है, वो डिमिनिशिंग MRS को शो करेगा, ठीक है। सेकंड है DMU, ठीक है, मार्जिनल यूटिलिटी है, उसके बाहर अगर नेगेटिव साइन है, उसके बाहर अगर नेगेटिव साइन है तो भी क्या हो जाएगी, DMU, ठीक है। तो दोनों बातें अलग अलग है, दोनों बातें अलग अलग है। MRS का फॉर्मूला होता ही है MU upon MU x upon MU y, इसके बाहर का जो माइनस साइन है ये शो कर रहा है कि डिमिनिशिव है, ठीक है, बस इसके, लेकिन इसके अंदर में जो साइन लिखे हुए हैं वो शो करेंगे क्या है, मतलब वो अगर वो नेगेटिव अगर वो पॉजिटिव है, ठीक है। ऑप्शन पढ़ लो जी, पहला ऑप्शन क्या आता है, DMRS एंड DMU, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या आता है, IMRS और DMU। तीसरा ऑप्शन क्या आता है, कॉन्स्टेंट MRS एंड DMU। चौथा ऑप्शन क्या आता है, इंक्रीजिंग MRS एंड कॉन्स्टेंट MU। कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए गाइस? कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? चार ऑप्शन दिए उसने आपको, ऑप्शन के हिसाब से बातें करना। यानी आप कह रहे हो कॉन्स्टेंट MRS, यानी जब हम लोग MRS की बात करेंगे तो फॉर्मूला रहेगा MU x upon MU y, तो वो आ रहा है यहाँ पे 1, ठीक है, वो आ रहा है यहाँ पे 1, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन आ रहा है। अच्छा जब हम MU x की बात करते हैं तो MU x कितना आ रहा है, MU कितना आ रहा है गाइस? नहीं नहीं, हाफ इंटू, हाँ, और वो पावर लग जाएगी माइनस कुछ, है ना, ये और MU y, हाँ थोड़ा बहुत इसको सॉल्व कर लें। और MU y को भी सेम ही आ जाएगा। देखो गाइस मल्टीपल वेव है, जब वो DMU कहता है, अगर आप, मैं आपको चीजें थोड़ी सी याद दिलाऊं तो ऐसा होता था, x है और ये थी मार्जिनल यूटिलिटी है, तो वही होता था, आपको याद है, वो ये होता था DMU, ध्यान रखना, ये आपका मार्जिनल यूटिलिटी होता था, मार्जिनल यूटिलिटी, और ये डाउनवर्ड होता था, डिमिश मतलब डाउनवर्ड होता था, गिरता हुआ होता था, ठीक है, और यहाँ पे गिरता हुआ प्लस नेगेटिव होता था, यहाँ पे गिरता हुआ तो होता था पर पॉजिटिव होता था, राइट।
तो ध्यान रखना यहाँ पे अभी के लिए सिर्फ याद करके रख लेना कि जितनी भी गुड कम्युनिटीज होती है उनमें DMU लगता है, जितनी भी गुड कम्युनिटीज होती है उसमें DMU लगता है, अभी के लिए याद करके रख लेना। आगे जल्दी कुछ कंसेप्ट आएंगे वो मैं आपको सिखा दूंगा, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करनी हम लोगों को। तो ये यस ये क्लियर है कि ये कॉन्स्टेंट MRF है एंड DMU है, ठीक है, DMU है। DMU वाली बात को फिलहाल याद करके रखना, ये हमेशा है। देखो IMU नहीं होता, DMU ही होता है। जो यूटिलिटी MUX होता है MUY होता है वो बोलने में और लिखने में अलग अलग होता है। लिखने में वो पॉजिटिव होगा बट बोलने में वो नेगेटिव होगा। बोलने में मतलब डिमिनिश, डिमिनिश क्यों वर्ड लगाया, डिमिनिश इसलिए लगाया क्योंकि हम इस वाले एरिया की बात कर रहे हैं, है ना, इसे हम नेगेटिव भी बोल सकते हैं, तो मैं तो बोलेंगे डिमिनिश। तो अभी के लिए याद करके रख लो कि जब भी कॉम्पिटिटिव गुड इन नेचर होती है तो डिमिनिश पे बात करते हैं, राइट। एक बात वो तो क्लियर हो गई, दूसरी चीज MRF कॉन्स्टेंट वो क्लियर है हम लोगों को, ठीक है। आसान क्वेश्चन।